से बात करेंगे टीवी एक्ट्रेस सुनिशा की मर्डर मिस्ट्री की, जिसमें अब लव जिहाद का एंगल आ गया है। जी हां, महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने इस मामले में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सुनिशा की मौत लव जिहाद का मामला है। पुलिस लव जिहाद के एंगल से मामले की जांच कर रही है। गिरीश महाजन ने कहा कि पिछले कुछ समय से लव जिहाद के मामले बढ़े हैं, महाराष्ट्र सरकार जल्द ही इस पर कानून बनाने पर विचार कर रही है। इससे पहले सिने वर्कर एसोसिएशन ने भी तुनिशा शर्मा केस की एसआईटी जांच की मांग की। तुनिशा और शिजान के कॉमन दोस्तों से पुलिस पूछताछ कर सकती है। शिजान के बयान को क्रॉस एग्जामिन की तैयारी। इसमें भी कोई लव जिहाद है? लव जिहाद का एक मसला है, मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। टेलीविजन की दुनिया का चमकदार सितारा तुनिशा शर्मा ने किन हालात में सीरियल के सेट पर खुदकुशी कर ली? दो दिन बाद भी इस पर अटकलों का दौर जारी है। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने कल नासिक में एक बयान देकर इस केस को नया मोड़ दे दिया। अभी अभी बात सामने है कि तनिष्का शर्मा की जो मौत है वो लव जिहाद का ही एक मसला है, मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जांच चल भी रही है। क्या आने वाले वक्त दिन पर दिन हम लोग देख रहे हैं कि ये इससे जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। इसीलिए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए और हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। बहुत गहराई से इसमें सीरियसली सोच रहे हैं इसके इसी के लिए लव जिहाद के लिए एक सख्त कानून लाया जाए। अब तक बीजेपी के कई नेता और हिंदुवादी संगठन के लोग तुनिशा की खुदकुशी को लव जिहाद से जोड़ चुके हैं, लेकिन पहली बार महाराष्ट्र सरकार के किसी मंत्री ने ऐसा कहा है कि तुनिशा शर्मा की खुदकुशी लव जिहाद का मामला है। अब तथ्यों को खंगालने के बाद ये खुदकुशी का कारण क्या है, क्या इसमें भी कोई लव जिहाद है या और कोई मामला है, और यदि यह मामला लव जिहाद का है तो लव जिहाद के पीछे कौन से संगठन हैं, कौन षड्यंत्रकारी लोग हैं, इस मामले की भी तहकीकात पुलिस के द्वारा की जाए। ये लव जिहाद के मामले में हमने संसद ने कहा है कि वो भी बड़ा कानून लाना चाहिए, ऐसा कानून लाना चाहिए महाराष्ट्र में ऐसे केसेस ना हो और हिम्मत भी ना हो। माननीय देवेंद्र जी एकनाथ जी पूरा प्रयास करेंगे कर रहे हैं और जल्द ही महाराष्ट्र में ऐसा कानून लाएंगे कि इसके बाद लव जिहाद के मामले इस महाराष्ट्र में नहीं दिखेंगे। इतनी क्षमता सरकार में है वो निश्चित रूप से काम करेंगे। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार से मांग कई बार कर चुका हूँ कि आखिर कितनी लाखों हमारी बेटी बहनों के जान चले गए, अभी कितने लाखों सरकार देखती रहेगी। एक निर्भया कांड आया तो तुरंत पॉक्सो एक्ट बन गया और अनेक कानून बन गए, कठोर कानून। आखिर इन जिहादियों के तुष्टीकरण कब तक होता रहेगा? आखिर इन जिहादियों के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बनेगा? आखिर कितनी तुनिशा शर्मा या अंकिता शर्मा या अनेक हमारी हिंदू बेटियां इन जिहादियों के चंगुल में अपनी जान देती गंवाती रहेंगी? हाल के दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में लड़कियों के खुदकुशी या हत्या की ऐसी कई वारदात हुई जिसे बीजेपी और हिंदू संगठनों ने लव जिहाद का रंग देने की कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस फिलहाल इस पर चुप है। लव जिहाद का मामला भी जो है, खबरें जो हैं ऐसी थीं, उसके एंगल में हम कुछ तपास कर रहे हैं, उसके एंगल में कुछ इन्वेस्टिगेशन हमारा चलने वाला है, या कौन से एंगल में हम इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं उसके बारे में बताएं। जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने जो भी आ जाएगा उसी हिसाब से हम इन्वेस्टिगेशन पूरा करेंगे। तुनिशा ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा, लिहाजा खुदकुशी की वजहों पर घना कोहरा है। सच का पता लगाने के लिए सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने एसआईटी जांच की मांग की है। सरकार इस पर कठोर निर्णय लेगी और हमारी इस पे मांग ये हम कर रहे हैं कि इसकी मांग एसआईटी से जरिए की जाए, क्योंकि जब मैं सेट पे गया लोग डर रहे बताने के लिए। मैं प्रोडक्शन मैनेजर से मिला, सेट पे जब मैं जाने लगा मुझे रोका गया, फिर आसपास के सेट के मजदूर से मिला, कलाकारों से मिला, कोई बताने को तैयार नहीं, सब घबराए हुए।
ये कहानी बहुत बड़ी है। मुंबई में तुनिशा अपनी माँ के साथ रहती थी। तुनिशा की माँ ने ही अपनी बेटी की मौत के बाद तुनिशा के साथी कलाकार शिजान खान को कसूरवार ठहराया, जिसके बाद पुलिस ने शिजान खान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 4 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस दोनों के करीबियों से पूछताछ कर रही है। तुनिशा और शिजान का फोन जब्त कर पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। मुंबई से पारस दामा, अमित त्यागी और उमेश मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।